तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आधार कार्ड सोल्यूशन में। आज का हमारा वीडियो रहेगा कि बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे थे हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनकी समस्या है कि उनका आधार कार्ड एक बार खो गया, अब दोबारा उन्होंने बनवाया तो उनका आधार कार्ड डुप्लीकेट शो कर रहा है। उन्होंने स्टेटस चेक करवाया, डुप्लीकेट शो कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको पहले मैं ये बता दूं, अगर आपका आधार खो गया सबसे पहले आप वोटर कार्ड या निवास ले जा करके आप उसे फिर से एनरोल कराएं। इसके ये उनके लिए है जिनके पास कोई डेटा ही नहीं है अपना, ठीक, उसको आप कागज़ को ले जाएं, निवास या वोटर कार्ड, उससे आप नया आधार कार्ड एनरोलमेंट करवाएं। वह आधार कार्ड फिर डुप्लीकेट शो करेगा। डुप्लीकेट आधार शो करने के बाद आप 1947 पे कॉल करें, वहाँ आप अपनी कंप्लेन लॉक कराएं। कंप्लेन लॉक कराने के बाद 24 से 48 घंटे बाद आप फिर से उनको कॉल करें, तो वहाँ आपके कुछ नाम DOB पूछा जाएगा, तो आप वहाँ सही सही जहाँ जवाब देंगे तो आपको आपका आधार नंबर मिल जाएगा। उस आधार नंबर को किसी भी जनसुविधा केंद्र में जा करके मॉर्फो के द्वारा या मंत्रा के उसके द्वारा आप अंगूठा और आधार कार्ड नंबर के द्वारा अपना आधार कार्ड जनरेट करा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। या दूसरा माध्यम, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, आप नहीं निकलवा पा रहे हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8009427122 पर कॉल करें, या आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी मदद करें। और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।